Hi, so today is 17th of April 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के जो essential vocabulary words हैं वो ये सारे हैं. पहला, first is fatality. Fatality का मतलब होता है death. Vigil, vigil का मतलब होता है wakefulness, जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं. Enigma, enigma का मतलब होता है mystery, puzzle. Then eye of storm, ये phrasal word होता है, like अगर आप center में हो, deeply involved हो किसी activity में, eye of storm. Cohort, cohort का meaning होता है group, army, एक unit है. Diaspora का meaning होता है people living outside country, जैसे कुछ लोग gulf countries में रह रहे हैं, कुछ USA, Europe में रह रहे हैं, Indian origin के हैं, Indian people हैं, so they are called diaspora. Then inexorable, inexorable मतलब relentless, unavoidable है वो. Then shot in the arm, ये काफ़ी यूज़ करते हैं हम, इसका मतलब all of a sudden strong positive effect आना, अचानक बहुत सारा gain आ जाना, that is shot in the arm. Crusaders का मीनिंग होता है कैंपेनर्स, एडवोकेट. कॉन्सोनेंस का मीनिंग होता है अग्रीमेंट, अकॉर्ड, अकॉर्ड है. देन पिक्यूलियर मीन्स होता है स्ट्रेंज, मतलब ऑड है. ब्लूप्रिंट का मतलब होता है प्लान, एक्शन प्लान, डिज़ाइन, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट. टेक अ लीफ आउट मतलब किसी एग्जाम्पल को, फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल है, उस एग्जाम्पल को फॉलो करना, सो दैट इज कॉल्ड टेक अ लीफ आउट, उससे इंस्पिरेशन लेना, फॉलो एग्जाम्पल. टेपिड का मीनिंग होता है ल्यूक वॉर्म. सो ये कुछ एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, आप उसका वर्ड भी लिखिए और आप उसका मीनिंग भी लिखिए इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं. फर्स्ट, फ्रेश केस रेज बाय ओवर 800, गवर्नमेंट पैग्स फैटेलिटी रेट एट 3.3%. जो केसेस हैं एक दिन में 800 से ज़्यादा आ रहे हैं, दिस इज़ अगेन गेटिंग वेरी सीरियस. देन जूम नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म, ये जूम, स्काइप, ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है इट इज़ नॉट सेफ. देन थर्ड इज़ लाइफ एज यूजुअल, यहाँ हम देखेंगे ब्रिक्स कैसे बनाते हैं, इधर अभी इनको कुछ सेक्टर में वापस नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है तो यहाँ वर्क अलाउ कर दिया गया है, ये फायर्ड ब्रिक्स हैं. देन अनऑर्गेनाइज लेबरर्स नीड यूनियन एंड लीगल कवर, लेबर एक्सपर्ट्स ने कहा है. ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इसमें हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में जानेंगे. देन विल गेट टू नो कि ये बहुत अच्छे कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये मेजर्स लेने वाले चाहिए. एक्सीलेंट आर्टिकल है ये. देन अक्रॉस द गल्फ, अक्रॉस द गल्फ में सी, ये गल्फ नेशंस होते हैं, काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इनको अब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, जॉब लॉसेज हो रहे हैं, सो विल गेट टू नो. देन वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के थ्रू है, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी, तो हम टेली मेडिसिन में कैसे इस वर्चुअल रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा उसका स्टडी दिया है. अ ब्लू प्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी हिमसेल्फ, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर चिदम्बरम ने, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बताया है इस डिफिकल्ट टाइम में कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि इकोनॉमी को हम कैसे वापस पटरी पे ला सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे थॉट्स यहाँ पे दिए, मनी वर्सेस मिथ एंड ऑल. देन अ केस टू यूज जेई मेन्स इंस्टेड ऑफ जेई एडवांस्ड दिस ईयर, सी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, यूपीएससी भी थर्ड को वो डिसाइड करेगी सिविल सर्विसेज एग्जाम का, सो इस केस में जेई मेन्स, जेई एडवांस्ड के बारे में ये कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे. विल द एविएशन इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम द पैंडेमिक, एविएशन इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी, पैंडेमिक आ गया, अब ये स्टैंड स्टिल पे आ गई है, तो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ये क्या कभी रिकवरी हो पाएगी. देन नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म वॉज ड्यूटी फॉर हिम, ये मिस्टर अशोक देसाई हैं, ये फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, इन्होंने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं अपने एक्सपीरियंसेस के, गुड आर्टिकल. देन लॉकडाउन ओनली अ पॉज, देन इंडिया आई रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है इंडिया में, दैट इज अ गुड थिंग, और यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे खरीफ, राबी एंड जायद. देन राइस, राइस डिपेंडेंसी एंड ऑयल सीड एक प्रायोरिटी बन गई है बिकॉज ऑयल हम इंपोर्ट करते थे, रिमेंबर पाम ऑयल. देन एक्शन प्लान हम उसका देखेंगे. ये है नोमैडिक ग्रुप जो घूमते फिरते रहते हैं, इनकी हम तीन ग्रुप्स देखेंगे जो आइडेंटिफाई किए हैं, और ये कुछ नोमैड्स हैं और इनको क्या चैलेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. बिजनेस में हम आईटी कंपनीज की बात करेंगे, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, रुपीज न्यू लो हिट कर गया है, करेंसी मिसमैच हो रहा है, लॉकडाउन बिटर फॉर शुगर है, टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री भी सफर कर रही है. फिर हम इस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर भी देखेंगे, स्पोर्ट्स मीनवाइल सारे पोस्टपोन हो गए हैं. सो दीज आर द आइटम्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स. आपके कमेंट्स पढ़े, बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच. हम कश्मीर में हैं, सृजन इंडिया फैमिली हिमाचल से है, दिल्ली है, पुणे भी है, बेंगलोर भी है,
यूपी भी है, आदर्श ग्राम, और उसके बाद हमारा ओडिशा भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और असम से भी कमेंट्स पढ़े मैंने। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट फर्स्ट इज फ्रेश केसेस राइज बाय ओवर 800, गवर्नमेंट पेग्स फेटेलिटी रेट एट 3.3%। फेटेलिटी रेट मतलब जैसे 100 है तो उनमें से कितने लोगों का डेथ हो सकता है, दिस इज फेटेलिटी रेट, आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकाला गया है यहाँ पे। तो जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये रैपिड टेस्टिंग किट अभी आगे पुश फॉरवर्ड कर रही थी। इससे क्या होता है, जो PCR टेस्ट है उससे ये जल्दी हो जाता है ये वाला टेस्ट। बट इट इज़ नॉट फॉर डायग्नोसिस बट फॉर सर्वेलांस, स्पेशली इन हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स मतलब जैसे कि इंदौर है, इंदौर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो एक हॉटस्पॉट बन गया है, तो वहाँ सर्वेलांस के लिए ये रैपिड टेस्टिंग किट यूज़ होगा। इसकी सेंसिटिविटी ओवर 80% है। सेरोलॉजी किट्स हैं, ये पॉजिटिव आता है तब भी डरने की बात नहीं है, इट डजन नेसेसरीली मीन्स कि आपको COVID-19 है। सो इट इज़ ओनली अ सर्वेलांस किट। सो वी आर नॉट टेस्टिंग लेस, ये ICMR और गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, बिकॉज यहाँ क्रिटिसाइज हो रहा था कि आप काफ़ी कम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर नॉट टेस्टिंग लेस, पूलिंग ऑफ टेस्ट भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे एक साथ केसेस को मिक्स करके हम एक साथ उसका टेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और स्पीड अप हो जाता है। ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर सेट टू बी स्क्रीन, रनिंग आउट ऑफ एसेंशियल्स, ये एक प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ। देन ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है जूम नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म। जूम क्या है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक पॉपुलर टूल है, जैसे स्काइप से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी इशू की है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म। वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, IT कंपनीज एंड ऑल, इवन टीचर्स, एवरीबडी, दे आर यूजिंग दिस वर्क फ्रॉम होम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो काम हो रहा है, एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर है, जूम सॉफ्टवेयर दैट इज़ मेड इन चाइना, इसका जो कॉल्स हैं वो राउट हो रहे हैं फ्रॉम चाइना के सर्वर से। सो दैट इज़ वाई इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिक्योर है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे भी क्वेश्चन है। एंड टू एंड मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो मैसेज आपका एनक्रिप्ट होके जाएगा सीधा रिसीवर के पास, बीच में कोई भी उसको ट्रेस नहीं कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एंड टू एंड इंक्रिप्शन। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसे अवॉइड करने के लिए कहा है। सी, आपको पता है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो आपको ये जो जीमेल टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं ये भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपके लिए NIC के जो मेल डेडिकेटेड होते हैं दैट इज़ फॉर योर यूजेज, बिकॉज ये भी सिक्योर इतने नहीं माने जाते हैं। सो जूम नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म, सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये पेज नंबर 2 है, सिटी हॉस्पिटल। देन दिस इज पेज नंबर 3, दिस कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, कल हमने से काफ़ी डिटेल में देखा था। देन एक्टिविस्ट राइट टू CM फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन रूट। सी, AMU में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन रूट के थ्रू क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। देन दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर नीड्स यूनियन लीगल कवर। बिफोर दैट ये एक न्यूज़ था, लाइफ एज यूजुअल। सी, ये ब्रिक किल्न है, भट्टी बोलते हैं हिंदी में, से ईंटे बना रहे हैं यहाँ पे। ब्रिक्स का बहुत पुराना हिस्ट्री है, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, आर्ट एंड कल्चर के वीडियो में आप देखिए, वहाँ पे भी ये लोग जानते थे बर्न ब्रिक कैसे बनाना है, ब्रिक स्ट्रॉन्ग ब्रिक कैसे बनाना है। इनकी जो ब्रिक्स थी उसका डायमेंशन भी फिक्स्ड था वहाँ पे। सो ब्रिक्स क्या होती है, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज़ होती है, बिल्डिंग मटेरियल, मैसनरी, कंस्ट्रक्शन, मोर्टार जॉइंट से, मतलब सीमेंट से इसको हम जॉइन करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। फायर्ड ब्रिक्स होती हैं, ये ड्यूरेबल होती है। इंडिया में UP, हरियाणा और पंजाब, 65% प्रोडक्शन जो ब्रिक्स का होता है वो इन 3 स्टेट्स में से। आप में से कौन यहाँ से है, UP, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे 65% प्रोडक्शन होता है इंडिया का दिस ब्रिक। ओके, देन ये जो नेक्स्ट है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल है अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स नीड यूनियन एंड लीगल कवर। सी, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है दे डू नॉट हैव द बेनिफिट्स ऑफ पर्सन, जैसे उनका प्रोविडेंट फंड नहीं होता है, ग्रेच्युटी नहीं होती है, मटर्निटी लीव्स ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं होते हैं, पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। जबकि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे या फिर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट में जाएंगे, IT कंपनीज एंड ऑल, तो वहाँ ये सारे कुछ प्रोविजंस आपको मिलते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो ये क्या हो जाते हैं, दे कम एट रिस्क रहती है इन्हें। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 4 कैटेगरी ऑर्गेनाइजर वर्कर की बना रखी है। ऑक्यूपेशन बेस्ड मतलब जैसे फार्मर्स, आर्टिसंस हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होते हैं।
स्पीडली आप स्पीडली डिस्ट्रेस्ड है, ये कैरियर्स होते हैं। देन सर्विस कैटेगरी बेस्ड होता है, मतलब जैसे बारबर, वेजिटेबल्स, ये सारे लोग होते हैं ना, ये कहलाते हैं सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में वर्क कर रहे हैं, ये स्पेशली डिस्ट्रेस्ड हैं, जैसे कैरियर ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल। नाउ लॉकडाउन का मतलब लॉस ऑफ इनकम है 400 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर का, बिकॉज ये वर्क करते हैं डेली वेजेस पे, हर दिन इनको काम करना पड़ता है, तो उस दिन का इनको पैसा मिलता है, एक दिन काम नहीं करेंगे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो इसलिए इनका हमें कुछ ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनको फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कर देना चाहिए, यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पोस्ट लॉकडाउन वेजेस लोअर होंगी तो देन अगेन गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना है। स्ट्रेंथन करें लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ट्रेड यूनियन और लीगल फ्रेमवर्क दोनों को स्ट्रॉन्ग करें। ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला, हर स्टेट में एक मल्टी पार्टाइट स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं, बोर्ड बनाएं, शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू टेक स्टॉक ऑफ स्ट्रेंडेड माइग्रेंट वर्कर। आप पता लगाइए कि कितने ज़्यादा और कितने नंबर में ये स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर हैं। कॉन्स्टिट्यूट मोर रिलीफ सेटलमेंट सेंटर, कॉम्प्लायंस ऑफ बेसिक नीड्स उन्हें दीजिए। सबसे ज़रूरी है उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस डिफ़िकल्ट टाइम पे अक्सर हम पे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन टाइप चीज़ें आती है, साइकोलॉजिकली हमें टेंशंस होते हैं, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, एस्टैब्लिश करिए हेल्पलाइन, जैसे कि सोशल मीडिया में FM रेडियो चैनल्स के थ्रू आप दे सकते हैं अनआइडेंटिफाइड माइग्रेंट वर्कर को। तीसरा, क्या कर सकते हैं आप, जैसे तहसीलदार लेवल पे टेम्प्ररी राशन कार्ड वैलिड करा दीजिए 2-3 महीने के लिए। फोर्थ, आप क्या कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन दे दो उन्हें ओरिजिन स्टेट को, माइग्रेंट वर्कर कुड बी बिल्ड, उनकी हेल्प ले लो आप। फिफ्थ, क्या कर सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड बी टेस्टेड इफ दे हैव ट्रेवल्ड और लिविंग इन कंजेस्टेड प्लेसेस, तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिक्स्थ में, आप वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैन बी टेकन केयर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन सेस फंड, सी अगेन अ गुड आइडिया। सातवां, आप क्या कर सकते हो, सेवन्थ, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये टेम्पलेट्स हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप सपोज एक DM है इस प्लेस के और वहाँ ऐसा इश्यूज हो रहे हैं, लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, माइग्रेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या करना चाहेंगे? यू हैव दीज वंडरफुल पॉइंट्स विद यू, सी कितना मल्टी डायमेंशनल इन्होंने पॉइंट्स दिया है। सो दिस इज द बेनिफिट, ये ऐसे आप यू नो दिस थिंग, ओके, थिंक इन दिस डायरेक्शन। देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 5, कर्नाटका में भी स्पर्ट्स, COVID-19 केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन अब यहाँ पे शादी हो रही है इनकी। देन दिस इज एडिटोरियल अक्रॉस द गल्फ, इंडिया मस्ट डू ऑल इट कैन टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड, जो अटक गए हैं वेस्ट एशिया में, ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये सऊदी अरेबिया, ओमान, देन यहाँ पे क्या है, ये UAE है, दिस इज ओमान, दिस इज़ कतर, दिस इज़ बहरीन, दिस इज़ कुवैत, ये पर्शियन गल्फ है, ये वाली, ये गल्फ है पर्शियन गल्फ, ये नीचे रेड सी है, फिर यहाँ स्वेज आ जाएगी, ये गल्फ ऑफ अडन है, ये इंडियन ओशन है। तो ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, यहाँ बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं ना, स्पेशली हमारे जो इधर वेस्ट की तरफ जो स्टेट्स हैं, ये सारे इधर जाते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे COVID-19 के लॉकडाउन से एम्प्लॉयमेंट बंद हो गया है, तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में काफ़ी ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा अटक गया है। ये 50% अनस्किल्ड होते हैं, अराउंड 30% सेमी स्किल्ड होते हैं, ये बैकबोन है इंडियाज टाइज विद दिस रीजन, तो दैट इज वाई हमारे इस गल्फ से इंडिया के इतने अच्छे रिलेशंस है, बिकॉज ऑफ दीज इंडियंस जो वहां पे वर्क कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया में रेमिटांस होता है, रेमिटांस मतलब वर्कर बाहर गया है वो घर पैसे भेज रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटांस। तो जो 40% ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज रेमिटांस आता है इंडिया का, उसका 40% केवल इस गल्फ कंट्रीज से ही आता है, तो सी ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल है हमारी इकोनॉमी को। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर वन रैंक है रेमिटांस में, इंडिया का रेमिटांस कितना होता है आप बताइए। नाउ इंडियन जो लेबर हैं ये वाइटल हैं फॉर GCC इकोनॉमी, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, हमको भी फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा है, हमारे वर्कर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वेस्ट के माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब यूरोप या USA में गए हैं, और ईस्ट के माइग्रेंट मतलब जो यहाँ गए हैं गल्फ कंट्रीज़ में, इनमें थोड़ा फ़र्क होता है। मेजॉरिटी ईस्ट वाले सब्सिस्टेंस वेजेस पे डिपेंडेंट हैं, और ये थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और ये ब्रॉडली हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस COVID-19। सो इंडिया कैन नॉट अबैंडन देम टू देयर हेल्पलेस फेट, हम अपने नागरिक को ऐसे नहीं अबैंडन करेंगे। क्राइसिस है,
टेस्टिंग द एंड्योरेंस ऑफ इंडियाज टाइज, नेगेटिव टेस्ट रिपैट्रिएट, अगर इनका वहाँ पे नेगेटिव आया COVID-19 का तो इनको रिपैट्रिएट कर दिया जाएगा, इंडिया में वापस आ सकते हैं ये। केरला में अराउंड 2 मिलियन माइग्रेंट्स हैं केरला अलोन में, सो दैट इज़ वाई हमें अभी इनके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज देने की ज़रूरत है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब एडिशन हो रहा है ना, मतलब रियलिटी सामने जो रियल है वो भी है और उसमें कुछ ऑगमेंटेशन, जैसे डायनासोर्स वगैरह एप्पल के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये वर्चुअल रियलिटी है, जैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन एंड ऑल। टेली मतलब दूर, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, सो कैन हेल्प रीच पेशेंट्स वेयर एक्सेस टू मेडिकल केयर इज डिफिकल्ट। अब इसमें टेक्नोलॉजी इज़ द की, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, डिस्कवरी ऑफ क्योर्स और वैक्सीन्स में हम पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, एनहेंस कर रहे हैं हम हेल्थ केयर को, कंसल्टेशन, कीप पीपल प्रोडक्टिव, जो लोग घर पे हैं उनको हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं, सीवियर ह्यूमैनिटी एट इट्स, सर्व ह्यूमैनिटी एट इट्स डार्केस्ट आवर। कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, ह्यूमैनिटी का अभी डार्केस्ट आवर चल रहा है, इतने बुरे दिन हमने शायद ही कभी देखे होंगे अपने एक्सपीरियंसेस में जो आज हो रहा है। सर्व ह्यूमैनिटी एट इट्स डार्केस्ट आवर, सो दिस इज़ द टाइम कि वी सर्व ह्यूमैनिटी। टेली मेडिसिन रेंडर्ड इनएक्सोरेबल नाउ बाय द टेम्पररी पैरालिसिस ब्रॉट अपॉन बाय अ फ्रीज ऑन मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट बंद हो रहा है। सेंटर ने गाइडलाइन दिया था वाइड स्प्रेड यूज़ करें आप टेलीमेडिसिन सर्विसेज को, तो दिस कम एज अ शॉट इन द आर्म फॉर टेली हेल्थ क्रूसेडर, मतलब अचानक बहुत पॉजिटिव बेनिफिट आ गया इन्हें, कॉन्सोनेंस विद द वर्ल्ड। 2000 में टेलीमेडिसिन आया था बट इसका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो रहा है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हुआ, अब इंटरनेट कितना स्पीडअप हो गया है तो इमेजेस और साउंड फॉइल्स वीडियो काफ़ी फास्टर और सिंपलर वे में पॉसिबल है। पायलट प्रोजेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी और साइकियाट्री का अभी सक्सेसफुल हुआ है, अब टाइम आ गया है कि हम इसको फुल पोटेंशियल में टॉप गियर लगा दें यहाँ पे। देन दिस इज अ ब्लू प्रिंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, ये मिस्टर पी चिदम्बरम और प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है। नाउ ये केयरफुली क्राफ्टेड इकोनॉमिक प्रपोजल है फॉर कंसिडरेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प अवर फेलो सिटीजन्स, इन्होंने कुछ यहाँ पे आइडियाज़ दिए हैं कि हम क्या कर सकते हैं इकोनॉमी ताकि वापस रीस्टोर हो जाए। स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है, कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय हम आइडेंटिफाई करें किधर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है और उसको लॉकडाउन कर दें। केयरफुल इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें ह्यूमैनिटेरियन टच नहीं छोड़ना है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमें ध्यान रखना है। स्क्रीचिंग हॉल्ट आ गया है, स्क्रीचिंग हॉल्ट मतलब जैसे आपका व्हीकल कार जा रही है ब्रेक लगाते हैं तो स्क्रीचिंग हॉल्ट आता है ना, तो ऐसी इकोनॉमी अचानक से स्क्रीचिंग हॉल्ट आ गई है। डिमांड एंड सप्लाई का चैलेंजेस है, तो सबसे पहले तो डायग्नोस करिए द स्केल ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस एक्यूरेटली, कितना डैमेज हुआ है पहले तो ये पता लगाइए। जीन रीज एक और इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी फेमस है, यूनिवर्सलाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की है, हर किसी को आप खाना दे दो, कोई भी आईडी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आईडी इस डिफिकल्ट टाइम में सब प्रोवाइड कर भी नहीं पाएंगे, तो यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, हर किसी को आप खाना दीजिए, कोई भी स्टारवेशन से डेथ नहीं होना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है। एमजी नरेगा और पीएम जन आधार योजना है, इसको आप यूजफुल यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेट वर्क इन टेंडम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करिए हॉटस्पॉट्स, इसमें क्या 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नाउ जो नॉन हॉटस्पॉट है मतलब जहाँ केसेस नहीं है वहाँ पे आप नॉर्मलसी रीस्टोर करिए, फंड करिए रिवाइवल को। आरबीआई ने मीनवाइल क्या किया, मोरेटोरियम ऑन लोन ऑब्लिगेशन फॉर 3 मंथ किया है, इसको बढ़ा के आप +3 और कर दीजिए। फॉर्मल सेक्टर, अभी हमने देखा था ना ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल सेक्टर जो होता है टेक अ लीफ आउट ऑफ दिस यूएस पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये यूएस ने अभी लगाया है अपनी कंट्री में। इसमें क्या हो रहा है, यूएस फॉर्मल सेक्टर की जो कंपनीज है उनको हेल्प कर रही है ताकि आप अपना एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं करें, उनको पैसे देते रहें, तो पे रोल रिमेन्स रहेगा विदाउट ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, आप जो फंड कर रहे हैं एम्प्लॉयर को उसका आप डेटा ले सकते हैं ईपीएफओ से और दिस जीएसटी से, अगेन अ वेरी गुड थिंग। टूरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट हुई है, इस पर अटेंशन दीजिए। कैपिटलाइज करिए फॉरेन एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी को, हम क्या चीज़ बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। फिस्कल स्टिमुलस होता है मतलब पैसे का आपने हेल्प कुछ किया है, और मॉनेटरी स्टिमुलस है, इसका आपको पैकेज लाने की बहुत ज़रूरत है। फिस्कल जो हमारा डिसिप्लिन है थोड़े टाइम तक हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट जो है उसको भी इग्नोर कर सकते हैं अपन। फिस्कल डेफिसिट मतलब आमदनी और खर्चे में डिफरेंस साल भर का। देन मोरेटोरियम, लोन फॉरगिवनेस, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, नोट डाउन दिस थिंग, मोरेटोरियम, लोन फॉरगिवनेस, ईजिंग,
रेगुलेटरी फॉरबियरेंस जैसे जीएसटी में भी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कुछ टाइम के लिए जीएसटी को फॉरगो कर दीजिए आप, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बट रेगुलेशन जो है ना वो ईजी हो जाएगा और चीज़ें स्पीडअप हो जाएगी, सप्लाईज स्पीडअप हो जाएंगी। तो आप रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को ईज कर दीजिए, रिवाइज करिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, जैसे 90 दिन का है उसको बढ़ा दीजिए, कल भी ये न्यूज़ में देखा था, रेगुलेशन ईज कर दीजिए, ईजिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जो पैसा होता है वो ईजिली लोगों को प्रोवाइड करिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी फिर से किक स्टार्ट, बिजनेस किक स्टार्ट कर पाए। अगेन वेरी गुड कीवर्ड्स, यूज दिस कीवर्ड्स। ओके नाउ मनी वर्सेज मिथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है मस्ट बी डेफर टू नेक्स्ट फिस्कल ईयर, फॉरगेट अबाउट दिस फॉर नाउ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे डैम्स बनाने हैं, कुछ रोड्स बनानी है, कुछ कंस्ट्रक्शन कैपिटल टाइप ऑफ वर्क कराना है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अगले साल का भी वेट कर सकता है, जितना भी आप फालतू खर्चा होता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी आप तुरंत कट कर दीजिए। दिस इज़ लाइक अ फैमिली, इकोनॉमी ना अपनी फैमिली की तरह समझना चाहिए। परिवार में जैसे पैसे कम आते हैं हमारे पास, कभी पैसे की कमी हो गई तो हम क्या करते हैं, जितना फालतू खर्चा होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, जो बहुत बड़े बड़े आइटम हमने प्लान किए होते हैं वो सोचते हैं अब अपन इस साल नहीं लेते हैं, अगले साल ले लेंगे जब पैसे आएंगे। तो यही हमें अब सेंट्रल लेवल पर करने की ज़रूरत है, बिकॉज आज की जो प्रायोरिटी है ना वो जितना लिमिटेड पैसा है उसको डाइवर्ट करना है हमें हेल्थ में और लोगों की लाइफ में और इकोनॉमी को रिवाइव करने में, बाकी चीज़ें अगले साल का वेट कर सकती है। तो सेंटर कैन बोरो मनी बट विदाउट क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बोरो कर सकते हैं बट ये क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये अपना पैसा लगाना बंद कर दें ऐसा नहीं होता है। ऑन पुशिंग अप इंटरेस्ट रेट, जो फाइनल रिजल्ट है वो होगा मोनेटाइज पार्ट ऑफ एडिशनल डेफिसिट, और आप अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर फाइनली ये लास्ट स्टेप होता है इकोनॉमी में, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ये हमेशा आखिरी उपाय होता है कि प्रिंट करिए फिर मनी को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ ब्रॉट ह्यूमन काइंड टू इट्स नीज, सी वायरस कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने पूरे वर्ल्ड को अपने नीज पे लाके खड़ा कर दिया है। एज हेल्थ साइंटिस्ट हैव सेड वी मस्ट लर्न टू लिव विद द वायरस, अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ पे लिखा है अ केस टू यूज जेई मेन्स इंस्टेड ऑफ जेई एडवांस दिस ईयर, एक ही एग्जाम लेते हैं, रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर, और इससे क्या होता है जो शेड्यूल्ड है हमारे एग्जाम्स के वो भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो ही इज़ गिविंग दिस सजेशन कि इंस्टेड ऑफ दिस जेई मेन्स जो होता है जेई मेन्स एंड एडवांस, उसके बजाय हम केवल एक ही एग्जाम लेते हैं। देन ये ओपेड 7 में है, विल द एविएशन इंडस्ट्री रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक, सी एविएशन मतलब दीज फ्लाइट्स एंड ऑल, ये एविएशन इंडस्ट्री है। नाउ इन अ टाइम लाइक दिस यू नीड प्रोफेशनल्स नॉट ब्यूरोक्रेट्स हु लैक नॉलेज ऑफ द सेक्टर, ये एक बहुत बड़ा अक्सर क्वेश्चंस उठते हैं कि जैसे ये आईएएस एंड ऑल होते हैं, ये होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये होते हैं जनरलाइज्ड होते हैं, इनको मतलब जनरलाइज्ड हर एक सेक्टर का आइडिया होता है, मैनेजमेंट का आइडिया होता है। बट अगर आप सपोज देखो जैसे भेल है या फिर आप एविएशन इंडस्ट्री है, एनटीपीसी है, ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो वाई नॉट हम इन्हीं के ऑफिसर्स को आगे डेवलप करके टॉप में बैठा है इंस्टेड ऑफ दीज ब्यूरोक्रेट्स। तो ये अक्सर क्वेश्चन उठता है कि प्रोफेशनल्स से हेड कराना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेट, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स को कई बार सेक्टर स्पेसिफिक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द सेक्टर होता है। नाउ एविएशन इंडस्ट्री होती है, इसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्लीट्स इनकी ग्राउंड हो गई है, स्टाफ इनका बेंच हो गया है, शेड्यूल अंडर अनसर्टेनिटी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, टिकट्स की लायबिलिटी हो रही है और कैश बर्न हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसे में सिविल सेक्टर का सर्वाइवल पॉसिबल होगा, प्रायोरिटी है इसको पूरा पढ़ के जो शॉर्ट आंसर वो ये है कि हाँ सर्वाइवल होगा, बट इसमें टाइम लगेगा, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, तुरंत रिबाउंड नहीं होगा दूसरे इकोनॉमी की तरह, दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर की तरह। वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट आफ्टर कोविड-19, ये तो 100% कन्फर्म चीज़ है कि ये कोविड-19 जब ख़त्म होगा ना तो दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। हेस्ट स्लोली, एक्ट विद अटमोस्ट केयर विद ड्यू डिलीजेंस, दिस इज़ वॉट इट इज़ रिक्वायर्ड। नाउ ये हैं हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मिस्टर अशोक देसाई, हाईली रिगार्डेड एंड लव्ड लॉयर है, काफ़ी बड़ा नाम है इनका, अपियर्ड इन मेजर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपनी मैटर में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। वाई? बिकॉज ये अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट इन्होंने देखी है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका एक आर्टिकल लिखा है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जैसे सरकार भी हमारी तरह होती है, उसको कोई लॉ नियम की ज़रूरत है तो वो इस लॉयर को देखेगी और ये लॉयर कहलाएगा अटॉर्नी जनरल। ये असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट
को इन लीगल मैटर। एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, ये सेकेंड लॉ ऑफिसर कहलाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, मतलब बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट बनी है। इनके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं। नाउ दिस इज लॉकडाउन ओनली अ पॉज, यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो लॉकडाउन है ना, इससे हमने पैंडेमिक का जो पीक था उसको हमने डिले कर दिया है, पर वो स्टॉप नहीं हुआ है, ये इट्स ओनली अ पॉज। स्टॉप करने के लिए हमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे ना तो लोगों के पास प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी मास मूवमेंट होते हैं ना, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये गांधी जी भी बोलते थे, तो सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, लोग पैनिक होंगे, इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है, तो वी नीड टू रैपिड, बहुत जल्दी हमें एक्शंस लेने की ज़रूरत है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर का हमने ये देखा था 5 T's, ये काफ़ी अच्छी है टेक्निक, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। देन इंडिया आइज रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन, सी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये जो वीट है ना, वीट से हस्क निकालते हैं, तो एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है विनोइंग। आप बताओ ये क्या होती है? विनोइंग एक टेक्निक होती है, हस्क अलग हो जाता है और वीट का जो दाना होता है वो अलग हो जाता है। टारगेट है अभी 298.3 मिलियन टन का फूड ग्रेन सेट आफ्टर नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट। कल हमने देखा था मॉनसून कॉमन है, मॉनसून इस बार नॉर्मल और अबव नॉर्मल रहेगा। देन स्टेपल क्रॉप, मॉनसून में भी सम ऑफ यू आस्क्ड अबाउट दिस अल नीनो एंड दिस मॉनसून कॉन्सेप्ट। सी वी हैव कवर्ड NCERT ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी, हैव अ लुक, उसमें ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दी हैं, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन, देन इंडिया का जो ज्योग्राफी है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं, इंडिया का क्लाइमेटोलॉजी है, इंडिया का दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड ऑल है, दिस रेनफॉल एंड ऑल, माउंटेन्स, सॉइल्स, एवरीथिंग इज कवर्ड ब्यूटिफुली, हैव अ लुक, काफ़ी अच्छा इंसाइट्स है वहाँ पे। ओके, कमिंग बैक टू दिस, 298.3 मिलियन टन का फूड ग्रेन है सेट आफ्टर नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट। ये स्टेपल क्रॉप होती है। स्टेपल क्रॉप क्या होती है? जो हम डे टू डे खाते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में खाते हैं, जैसे आटा हम बहुत खाते हैं, बार्ले खाते हैं, मेज, राइस हम खाते हैं, तो ये कहलाती हैं स्टेपल क्रॉप। ये कुछ सीजन होते हैं जैसे खरीफ, राबी और जायद है। ये सीज़न कांस्टेंट है, जून से सितंबर, मतलब खरीफ, बारिश आते ही खरीफ हो जाता है, फिर ठंड आते ही राबी हो जाता है, देन जायद आता है इन दोनों के बीच में, और ये क्रॉप्स हैं जो खरीफ और राबी और जायद की है। ये क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन एरिया होता है, जैसे राइस देखिए, राइस खरीफ क्रॉप भी है, खरीफ क्रॉप भी है, एंड देन राइस सदर्न स्टेट्स में वो राबी क्रॉप भी हो जाती है। सी राबी यहाँ पर, खरीफ यहाँ पर साउथ में, और यहाँ पर ये खरीफ जून टू सेप्टेम्बर इन नॉर्दर्न स्टेट्स में है। तो इंडिया में बेसिकली रेन फेड एग्रीकल्चर है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है नॉर्मल और अबव इस बार रेनफॉल होने वाला है। राइस जो है खरीफ है, इससे करीब 100 मिलियन टन आएगा, राबी से 14 मिलियन टन आएगा। तो मैं ये बता रहा था, ऐसा नहीं है कि राइस केवल खरीफ क्रॉप ही है, राइस राबी क्रॉप भी हो सकती है। ये सीजन बस कॉन्स्टेंट होते हैं, क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन एरिया चेंज हो सकती है। ऑयल सीड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम ऑयल सीड प्रोडक्शन भी करते हैं बट फिर भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। देन इसमें डिसरप्शन हो रहा है बिकॉज इंटरनेशनल सप्लाई चेन टूट रही है। टारगेट है हमारा कि हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा करें। अनसीजनल रेन जो हुई थी उससे सोयाबीन का जो तेल होता है उसकी उसमें प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल आया है। तो अभी का एक्शन प्लान हमारा होगा ऑयल सीड को इम्प्रूव करें, और स्पेशली ऑयल पाम प्लांटेशन की बात चल रही है। कहाँ पर बात चल रही है? आंध्रा में और तेलंगाना में। ओके, देन दीज आर सी फेयरर्स में रिटर्न इन 3 phases, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट यूज़ ऑफ अनप्रूवन ड्रग्स। सी दिस इज़ वाई हमने COVID-19 का कवरेज थोड़ा कम किया है। बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, ये सब क्या प्रोबेबिलिटी होती है। अभी लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, मास प्रोडक्शन होना चाहिए और ये प्रूवन विद टाइम होना चाहिए। सो लेट्स नॉट, इसको थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पर भी यही बात है, अगेंस्ट यूज़ ऑफ अनप्रूवन ड्रग्स। देन दिस इज़ पेज नंबर 9, न्यू केसेस मुंबई में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बिहार टू स्टेप अप टेस्टिंग, अगेन बिहार ने ज़्यादा टेस्टिंग का प्लान किया है। न्यू नॉर्मल मोर एयरपोर्ट टाइम, देन हियर दिस इज़ पेज नंबर 11, ये नोमैडिक ग्रुप हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। नोमैडिक क्या होते हैं? नोमैडिक मतलब वो एक जगह पे नहीं रहते, वो घूमते फिरते रहते हैं, देट आर नोमैडिक। ये वल्नरेबल हैं COVID-19 के ऑनस्लॉट से, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने 8 नोमैडिक ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं इंडिया में। इंडिया में करीब 1 million इन नंबर है इनकी पॉपुलेशन। अब ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, एक हंटर गैदरर होते हैं, एक पेस्टोरलिस्ट होते हैं, और दीज आर प्रेसीपैक्टेटिक, ये नॉन फूड प्रोड्यूसिंग
ग्रुप होता है। तो ऐसे करके तीन ग्रुप इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। कुछ नोमैड्स के नाम है जैसे बकरवाल। बकरवाल कहाँ होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। दिस इज़ भारवाड़। भारवाड़ कहाँ होते हैं? गुजरात में होते हैं। भोहा, भोहा कहाँ पर है? यूके के हैं, उत्तराखंड। ये भोटिया है, दिस इज़ भोटिया इन उत्तराखंड। देन चांगपा, चांगपा कहाँ होते हैं? लद्दाख में होते हैं। गड्डी कहाँ है? हिमाचल में है। कुरबा कर्नाटका में होता है। कुरुमा, कुरुमा तेलुगु है। और टोडा, नीलगिरी याद है? टोडा नीलगिरी ट्राइब है, ये तमिलनाडु में होती है। सो दीज आर सम नोमैडिक ग्रुप्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे वॉइस बेस्ड टेस्ट की भी बात है। देन ये गोल्डन टेम्पल है। देन दिस इज़ यूरोप स्टिल इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यूरोप में हो रही है। नंबर ऑफ़ फिगर्स भी दे आर स्कैरी, काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। देन ये वेट मार्केट मीनवाइल वुहान ने फिर से रीओपन कर दिया है, लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं अब। देन दिस इज़ द बिजनेस सेक्शन। टी सी एस का नेट ड्रॉप हुआ है, मोमेंटम रिवर्सेस, बट स्टिल टी सी एस ने फर्म है टू ऑनर करेगी कैंपस ऑफर्स को। उसने रूल आउट कर दिया है री इंट्रेंचमेंट एज ऑल्सो इंक्रीमेंट प्रमोशन ऑन ट्रैक। सो टी सी एस का नेट ड्रॉप हुआ है, बट फिर भी ये सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे रुपी हिट अ न्यू लो। रुपी क्यों कम हो रहा है? बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। फियर है इकोनॉमी में, डिले इन इकोनॉमिक रिवाइवल, तो इससे हमारी करेंसी वीक हो रही है। तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, इससे क्या होता है? करेंसी मिसमैच हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा रिलायंस करते हैं यूएस डॉलर डेप्ट पे। तो जो कुछ कंपनीज फर्म्स जो केवल इस करेंसी के डिफरेंसेस में वर्क कर रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही हैं। देन यहाँ पे अगेन लॉकडाउन बिटर फॉर शुगर। शुगर में भी यही प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्राइसेस अफेक्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। देन टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, इसको भी स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है, बिकॉज डिमांड अभी नहीं है। ऑल्दो इसकी डिमांड रिबाउंड हो जाएगी जुलाई में, रिबाउंड मतलब फॉल होकर अचानक ऊपर हो जाएगी, बट दे आर आस्किंग फॉर दिस स्पेशल स्टिमुलस पैकेज। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 21 में रियल जीडीपी जो होती है एट 1.1%। अक्सर ये सवाल उठता है कि व्हाट इज़ रियल जीडीपी, व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, एक टर्म आ जाता है फिर जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। सो दिस इज एसबीआई रिपोर्ट सीज FY21 में रियल जीडीपी 1.1% पे रहने वाली है। और ये स्पोर्ट्स सेक्शन है, अगेन सब पोस्टपोन हो रहा है, आईपीएल भी नहीं हो रहा है। ये ही लिव्ड द एनिग्मा, देन फॉरेस्ट फायर रेजेस इन उड़ीसा। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने देखा ये बिजनेस सेक्शन की न्यूज़, देन हमने पढ़ा नोमैडिक ग्रुप के बारे में, देन वी रेड अबाउट दिस रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है। ऑयल थोड़ा हमारा वीक पार्ट है, इसको हमें इम्प्रूव करना है प्रोडक्शन। ऑयल पाम प्लांटेशन की बात चल रही है तेलंगाना और आंध्रा में। लॉकडाउन ओनली अ पॉज है। ऑप्टिमिज्म वॉज अ ड्यूटी फॉर हिम, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। देन वी रेड अबाउट दिस पेंडेमिक, इंडस्ट्री रिकवर, देन जेई मेन्स, एंड दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ अ ब्लू प्रिंट टू रिवाइव द इकोनमी। एंड ये है आपका ह्यूमैनिटी, वर्चुअल रियलिटी इज़ वेरी यूजफुल। ये गल्फ कंट्रीज़ के बारे में हमने जाना, इंडियन माइग्रेंट्स, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आई शेयर दिस PDF विद यू, इसको आप अच्छे से पढ़ना ये वाला। देन दिस इज़ अनऑर्गेनाइज लेबरर्स, ये लाइफ एज यूजुअल ब्रिक्स है। देन ये है जूम, नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे हमारा फैटेलिटी रेट 3.3% दिखा रहे हैं, एंड दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ़।